दोस्तों, क्या आपने मैन इन ब्लैक देखी है? और अगर देखी होगी तो आप विल स्मिथ को जरूर जानते होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल लेट्स बी इंस्पायर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं विल स्मिथ की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। विलर्ड कैरल स्मिथ जूनियर का जन्म 25 सितंबर 1968 में फिलाडेल्फिया में हुआ। उनकी माँ कैरोलिन एक स्कूल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर थी और पिता यूएस एयरफोर्स में काम करते थे। उनका बचपन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब 13 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग होने का फैसला किया तो उनके उस फैसले का असर विल पर भी पड़ा। लेकिन विल ने अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने सामने नहीं आने दिया। उनका सपना था एक रैपर बनने का। 12 साल की उम्र तक उन्हें हिप हॉप कल्चर में दिलचस्पी बढ़ने लगी और विल स्मिथ ने भी अपने गाने लिखना शुरू कर दिया। उस समय वो प्राइवेट कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे। विल स्मिथ बहुत ही होशियार थे और उन्हें उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। 1985 में 16 साल की उम्र में विल ने एक हाउस पार्टी अटेंड की, जहां पर एक लोकल डीजे जेफरी टाउन्स, जिन्हें डीजे के नाम से भी जाना जाता है, उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने देखी। उस परफॉर्मेंस के दौरान डीजे जेफरी का एक साथ देने वाले दोस्त उस पार्टी में लेट हो गए और इसीलिए विल ने गाने में उनका साथ दिया और उन दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया और इस तरह उन्होंने बनाया डीजे जेजी जेफ एंड द फ्रेश प्रिंस। और उनकी पहली एल्बम 1996 में गर्ल्स आंट नथिंग बट ट्रबल रिलीज हुई और लोगों को उनकी यह पहली एल्बम बहुत पसंद आई और अब वह दोनों पॉपुलर होने लगे। उनकी दूसरी एल्बम उन्होंने 1988 में रिलीज की, जिसका नाम था ही इज द डीजे आई एम द रैपर। यह एल्बम रातों रात एक इंटरनेशनल हिट बनी, इसकी मिलियन कॉपीज भी की। विल अभी हाई स्कूल से निकले भी नहीं थे कि उन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता अपने गाने पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, और यह बेस्ट रैपर परफॉर्मेंस के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड था। उनकी तीसरी एल्बम रिलीज हुई 1989 एंड इन दिस कॉर्नर। उस समय विल अपने टैक्स ना भरने की वजह से कुछ प्रॉब्लम में घिरे हुए थे। विल स्मिथ को एक हिप हॉप सिंगर के तौर पर काफ़ी नाम और शोहरत हासिल हुई। उन्हें उनके टैलेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड भी मिला, लेकिन उन्होंने अपना पैसा यूं ही मस्ती में खर्च कर दिया और जल्द ही इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने घर का दरवाजा खटखटाया और उन्हें $2.8 मिलियन टैक्स भरने के लिए कहा, जिसके चलते उन्होंने विल के घर की सारी कीमती चीजें, यहाँ तक कि उनकी अब तक की कमाई भी सब कुछ ले लिया। ऐसे हालात में तो कोई भी हार मान जाता, लेकिन विल स्मिथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने रैपिंग छोड़कर टीवी की दुनिया की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एनबीसी सिटकॉम के साथ, जिसका नाम था द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेलेयर। यह उनका पहला शो था जिसमें वह अपनी ही जिंदगी के कुछ हिस्सों के रोल अदा करते दिखे। यह शो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और 6 सीजन तक चला। जैसे जैसे उनका एक्टिंग करियर बढ़ने लगा, उन्होंने म्यूजिक करियर की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया और डीजे जेफी जेफ एंड द फ्रेश प्रिंस की वापसी हुई 1991 में उनकी चौथी एल्बम होम बेस के साथ। इस एल्बम ने उस टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने इस एल्बम के लिए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। 1993 में एल्बम कोड रेड के बाद विल स्मिथ फिल्मों में काम तलाशने लगे। शुरू में उन्होंने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया। उन्हें उनका पहला लीडिंग रोल मिला साल 1996 में फिल्म इंडिपेंडेंस डे में। हालांकि अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें मिला फिल्म मैन इन ब्लैक में। साल 1997 में विलियम ने अपनी पहली एल्बम अपने नाम बिग विलियम स्टाइल के नाम से रिलीज की। उनकी इस एल्बम की मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिकी। विलार्ड कैरल स्मिथ जूनियर आज एक जाने माने अमेरिकन एक्टर हैं और फेमस मीडिया पर्सनैलिटी। अप्रैल 7, 2007 में न्यूजवीक ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे पावरफुल एक्टर माना। विल स्मिथ को 5 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड और 2 एकेडमिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और उन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड्स भी जीते। दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी और कभी भी हार मानने का ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।